हेलो गाइस, मैं हूं अमित और आज हमारे पास में एक और इनाम जो कि है भैया एवेंजर्स। अब मुझे नहीं पता कि एवेंजर जो है ये असली है नकली है क्या है, लेकिन भैया बाजार में मिलता है तो हम आज देखने वाले हैं कि आखिरकार एवेंजर इनाम के अंदर क्या चीज है। हमारे पास में एक पैकेट नहीं बल्कि हमारे पास में इसके पूरे 300 पैकेट, इस तरीके के बड़े 10 पैकेट है भाई, बहुत सारे थे, मैं उठा के लाया तो ये जो है नीचे गिर गए। हमारे पास में 10 बड़े पैकेट है, हर एक बड़े पैकेट के अंदर 30 छोटे पैकेट, टोटल हो गए 300। तो देखते हैं भैया क्या मिलता है इसके अंदर, मुझे खुद को भी नहीं पता क्या इसके अंदर इनाम मिलेंगे, क्या इसके अंदर खाने पीने की चीजें होंगी बच्चों वाली। तो भैया वही चीज है, देखो बच्चों को जो है इसका एक पीस 5 रुपए का मिलता है, तो हमारे पास में टोटल 300 है। अब 300 में सारा राज खुल जाएगा, हो सकता है इसके अंदर कैश भी निकल जाए यानी कि पैसे भी निकल जाए, हमको कुछ नहीं पता। दुकानदार था उसको खुद को जो है कंफ्यूजन था कि अंदर क्या है, हमने सोचा चलो हम खुद देख लेंगे। तो फटाफट से शुरू कर देते, क्या है इतने सारे इस एवेंजर इनाम के अंदर का राज। और आप लोग इस वीडियो के लिए लाइक का बटन अभी के अभी जरूर से दबा दीजिए। दोस्तों भूत का बच्चा और इस एवेंजर में सबसे बेसिक फर्क तो ये है कि उसके अंदर जो है छोटी छोटी गोलियां निकली थी अंदर, लेकिन इसके अंदर भाई सब कुरकुरे निकलते हैं और उसके साथ में और गिफ्ट निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर इसके बड़े पैकेट की बात करें, इसका बड़ा पैकेट है, बड़े पैकेट के ऊपर लिखा हुआ एवेंजर एंड गेम वगैरह लिखा हुआ है। और ये जो है ये कौन है, थैनोस, ये थैनोस की फोटो है। यहाँ पर जो है थोर की फोटो है और इधर जो है हल्क बना हुआ है, कैप्टन अमेरिका वगैरह सब कुछ बना हुआ, ये आर्यन मैन है यहाँ, ये आर्यन मैन है यहाँ। बेजान दिल को तेरे आयरन मैन बना हुआ है, आप लोग देख सकते हो आयरन मैन नहीं है, आयरन मैन है, ठीक है। और दूसरे साइड में भी ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री गिफ्ट इनसाइड। तो यहाँ पर एक पैकेट खोलना शुरू करते हैं और ये हमने एवेंजर्स की फाड़ दी पन्नी, ठीक है। तो ये लो, ओए अबे यार कुरकुरे पहले इसमें से निकले हुए हैं यार, मुझे लगता है कोई ना कोई पैकेट खुल गया है, पता नहीं कौन सा खुला। और आप देख सकते हो कि 30 इस तरीके के पैकेट है। तो गाइस इससे इसको खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या निकलता है फर्स्ट पैकेट के अंदर, ठीक है। तो और तेरी, तो गाइस इस तरीके के इसके अंदर ये कुरकुरे हैं, जरा टेस्ट कर लेना चाहिए है, ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है यार। 5 रुपए के हिसाब से ये मुझे कम लगे हैं थोड़े से, 5 रुपए में ये चीज़ें और आ सकती थी, लेकिन साथ में खिलौना भी है इसमें। ये क्या है भैया, किसका जीव है, बच्चों का, प्लास्टिक का, अरे है अभी सही लगा ना, दांतों में कैसे लगेगा ये, कहाँ लग, अच्छा ओके ओके ऐसे, अरे नहीं यार ये कुछ और है, तुम मुझे बिना बात इसको जो है जीव वगैरह बता रहे, क्या चीज है ये भाई, समझ में नहीं आ रहा ये क्या चीज है, अगर आपको पता है तो बताओ जरा यार, काहे की जीव है, कहाँ लगती है तुम्हारी, ऐसी जीव है कैसे लगती है ऐसे, ये दांत तोड़ देगी मेरे, प्लास्टिक है ये, अच्छा अरे यार ये क्या चीज है पता है, देखो ये है मैं इसको मुंह में डाल रहा हूँ कि ये ऐसे कुछ आएगा, ये बोलना जीभ है तो ऐसे बोलना कि इसका ऐसे पकड़ लो निप्पल किधर है, वो बच्चों को मुंह में नहीं डाल देते, छोटा सा वो निप्पल होता है क्या होता है उसको ऐसे डाल देते हैं, बच्चा जो है रोते रोते चुप हो जाता है, वैसा कुछ है ना, देखो मम्मी जो है अच्छे से वोट नहीं बनवा रहा, तो इसको हटाते हैं, दूसरा पैकेट खोलते हैं। तो भाई दूसरा पैकेट खोलते हैं और देखते हैं इसमें भी वो जीप मिलती है या कुछ और मिलता है, नहीं इसमें अलग चीज है। तो भाई यहाँ एक पन्ना और निकला था, मतलब छोटा सा है और इसके ऊपर लिखा हुआ है प्लास्टिक पजल, और यहाँ पर ये पजल है देखो, तीन चार पीसेस है और उनको जोड़ के डायनासोर बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो हमने जोड़ ही लिए थे तीनों, तो और ये जुड़ेगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और भाई जो डायनासोर है वो हमारे पास में बन जाना चाहिए है, ठीक है। ऑलराइट, तो गाइज ये बन गया है हमारा
डायनासोर जो कि हमारे 5 रुपए के एवेंजर्स के अंदर निकला। देखो ओए ओए उत्तरी गाइस अबे पैसा है ये तो असली का पैसा है कि निकली का है? अरे असली का नोट है गाइस। अबे 10 रुपए का नोट आ गया इसी नाम में, पहली बार मेरे को इनाम में निकला, आज तक नहीं निकला था, वो भी टेप लगा हुआ नोट है। अरे यार क्या बात है 10 रुपए निकले हैं इस इनाम में, मतलब 5 सोचो कोई बच्चा 5 रुपए की इनाम लाया, 5 रुपए ही लाया, 10 रुपए उसको वैसे मिल गए। फटा हुआ तो चलेगा तो 10 में ही ठीक है। तो गाइस कमाई जो है वो शुरू हो चुकी है। तो गाइस हमने जो है पूरा एक पैकेट खोल लिया है, यानी कि 30 छोटे पैकेट खोल लिए हैं, टॉयज निकले लेकिन पैसे जो है 10 रुपए निकले कैश। तो एक काम करते हैं अब जो है बाकी सारे के सारे 300 खोलते हैं। और यहाँ पर देखो कितने सारे कुरकुरे हो गए यार, यहाँ पे तो कुरकुरे हैं या जो भी हैं यार, इनका जो टेस्ट है वो ठीक ठाक है, ये हो सकता है बच्चों को ज्यादा अच्छा लगे, मुझे इतना ज्यादा भी नहीं लगा। ठीक है अब बाकी खोलते आ जाओ। तो भाई खोलते खोलते यार काफी देर हो चुकी है और देखो कितने सारे इसके अंदर ये भर चुके हैं, 2 डब्बे वहां पर जो है भरे हुए हैं आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पर जो है छोटे छोटे खिलौनों की बहुत सारा ढेर लग गया है। और यार कुछ अलग चीजें भी निकली भी आपको सारी दिखाएंगे, लेकिन देखो अरे जैसे कि ये बॉल है ये थोड़ा अलग है, देखो इसको मैं इसमें डालूंगा ठीक है, और जैसे ही बटन दबाऊंगा ये भग जाएगा। अरे यार उधर ऊपर चला जाएगा, कैमरा में देता हूँ ठीक है कुछ इस तरीके से। और ये है ये क्या चीज है, देखो मैं एक दो चीजें आपको दिखाना चाह रहा हूँ जो कि मुझे थोड़ी नई दिखी हैं। ये यार एक टॉय आता है ना, ये काफ़ी हैवी भी है, इसका वजन भी काफ़ी ज़्यादा है, ये कैसे क्या काम करता है ये तो मुझे पता नहीं, बट मुझे क्यूट सा लगा तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके एक ही आँख है और ये भी इसके अंदर निकला है, ये शायद इसका स्टैंड है या क्या है जो भी है। अरे ये शायद ऐसे खड़ा हो जाएगा, अरे ये तो ये पता है गाइस देखो इसको जैसे यहाँ खड़ा करूँगा ना, अरे इसको यहाँ खड़ा करूँगा आराम से तो ये हो गया है देखो क्या बात है और तेरी चलो सारे पैकेट खोल लो जल्दी जल्दी फिर दिखाते हैं सारी चीजें। तो भाई पूरे 300 पैकेट्स खुल चुके हैं और जैसा खुला है वैसा का वैसा है। यहाँ पर आप लोग देखो कितने सारे तो ये कुरकुरे इसमें निकल चुके हैं, बट अगर आप इसको जो भी कहना चाहे मुरमुरे कुरकुरे जो भी है, और यहाँ पर जो खिलौने निकले वो ऐसे कैसे पड़े, और ये है भाई पैसे जो कि इसमें निकले। तो एक काम करते हैं अब इन सारी चीजों को अलग अलग करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीजें निकली और कितनी निकली, क्योंकि ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो तो भाई ये पैसे निकले हैं इस इनाम के अंदर और अभी भी जो है ये पन्नियों में पैक है, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके के ये इसके अंदर पाउचेस निकले हैं। और टोटल पैसे की अगर बात करें तो भाई इसके अंदर है, इनको बाहर ही निकाल लेते हैं एक बार, तो भाई टोटल इसमें ये रुपए निकले हैं देख लेते हैं कितने, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 का नोट जो है दो टुकड़े का है और टेप लगा करके जोड़ रखा है आप लोग देख सकते हो। तो भाई साहब 110 रुपए तो यहाँ पर निकले हैं 1500 रुपए के इनाम में ठीक है, तो बच्चों को बहलाने के लिए तो ठीक है, तो 110 रुपए तो मैं अपनी जेब में रख लेता हूँ ठीक है। सबसे पहले तो पार्टी होगी कोई पार्टी नहीं होगी ये मेरे ठीक है। और गाइस यहाँ पर है खिलौने ठीक है, ये इसके अंदर टॉयज निकले हैं, इनको जो सारे के सारे जो है इस तरीके के पैकेट्स में इनको निकालेंगे बाहर। ये जो है इसमें खाने पीने की चीज़ें निकली हैं, ये जो है भाई मैं सच्ची बताऊं तो बिल्कुल भी जो है खाने लायक मुझे नहीं लग रहा है, इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और ऐसा लग रहा है कि ये शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम से भी रखा हो। तो भैया मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये वाली चीज़ ला करके इसको खाओ ठीक है, साफ साफ बता रहा हूँ भाई। देखो जैसा जो होता है हम तो वैसा ही बताते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इस तरीके की लाइट है, देखो इसके अंदर जो है लाइट जल रही है LED है अंदर, और ये जो येलो कलर की है ऊपर से खुल भी जाती है, अंदर एक छोटी सी LED लगा रखी है इन्होंने। एक पर्ची निकली है मीट द मिनियंस, और गाइस अब मुझे याद आ गया है इससे ही कि ये जो है मिनियंस है, देखो आप लोग देख सकते हो ये निकला है और इसके अंदर ये भी निकला है, ये जो है ऐसे ही रहता है, भले मैं इसको घुमा लूं लेकिन जैसे नीचे करूंगा देखो इसके पैर नीचे ही रहते हैं और इसका सर ऊपर रहता है, भले मैं इसको कैसे भी घुमा लूं। ये जो है इसके अंदर एक चैन निकली है और आप लोग देखो इसके ऊपर स्टारफिश बनी हुई है
और इसको गले में पहना जा सकता है। लोहे की चैन है और आप लोग देख सकते हो भैया 5 रुपए के इनाम के अंदर ये निकली है और इसके अंदर बहुत सारे इस तरीके के छल्ले भी निकले हैं। और ये जो है भैया सोने की चैन है, देखो ये है वो गोल्ड वाली, मतलब इसका कलर जो है वो गोल्ड है। और इसमें बहुत सारे इस तरीके के बाइक या साइकिल या जिसकी भी चाबी में अपन डाल सकते हैं वैसे छल्ले मिले हैं। देखो छल्ला की लबदा फिरे यारा दा काई कहना मनु पुछदा फिरे छल्ला हंसदा फिरे छल्ला रोंदा फिरे छल्ला गली गली रुलदा फिरे छल्ले तू सब दा छल्ले तेरा कोई नहीं छल्ला गली गली रुलदा फिरे छल्ला की लबदा चैन खो गई। अरे चैन ये रही सारी। तो गाइस यहाँ पर इतने छल्ले निकले हैं, इतने छल्ले निकले हैं कि पूछो मत। देखो एक बार मैं दुकान खोलूं 42 तो चैन की दुकान, तेरा चैन खो गया है ना तो चैन की खोल लेना। ये तो इसके अंदर जो चैन निकली है अलग अलग तरीके की आप लोग देख सकते हैं, ये गोल्ड वाली, सिल्वर वाली और ये जो है पर्पल वाली। और ये है इसके अंदर 42 छल्ले, 42 यार हद होती है। एक बार देखो चैन को मैं रख देता हूँ, ये देखो देखो एक बार कितने सारे छल्ले अलग अलग टाइप के हैं। और पता है छल्ले में जो कुछ आ सकता था वो सब कुछ है इसमें। देखो छल्ले में जो कुछ आ सकता था, इस तरीके की बाइक टाइप के हैं, छल्ले के अंदर चप्पल है, चप्पल का छल्ला है यार, कौन लगाएगा आपने उसमें बच्चों के लिए ठीक है बस। और आप लोग देख सकते हो अलग अलग तरीके की, ये जो बटरफ्लाई का छल्ला है, ये जो है भैया क्या है, छिपकली, छिपकली का छल्ला है, ये जो है बतख का छल्ला है, ये जो है लव साइन का छल्ला है, ये जो है सनफ्लावर जैसा कुछ है। बहुत सारे अलग अलग तरीके के छल्ले हैं यहाँ पर सारे के सारे। ये जो हाथ का जैसा है, ये छल्ले के अंदर जो है चिड़िया बैठी हुई है। ये देखो ये और अलग तरीके के हैं, चप्पल के 2-3 थे, चप्पल का एक ये रहा और एक ट्रांसपेरेंट वाली चप्पल भी थी, वो कहाँ गई यार तो गाइस आप लोग देख सकते हो कुल मिला के कि किस तरीके के कितने सारे यहाँ पर छल्ले निकले। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है यही चीज़ होने वाली है, और भी चीज़ें बाकी है, अभी उनको भी निकालेंगे। तो भाई फाइनली सारे टॉयज निकल चुके हैं और वो है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो हमने सभी को यहाँ पर जमा दिया है। और आप लोग देखो कितनी सारी चीजें हैं और क्या क्या यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है। गाइस ये है इस तरीके की स्पाइडर वाली गाड़ी, इसको ऐसे भी चला सकते हो और इसको ऐसे भी चला सकते हैं, हालांकि अंदर कोई पावर नहीं है। ये दो गाड़ियां ऐसी है। यहाँ पर दोस्तों कुछ बाइक्स भी हैं अलग अलग कलर की। ये है एक फाइटर जेट जिसके नीचे कोई इंजन विंजन तो नहीं है। ये सबसे आगे है दोस्तों एक ग्लोइंग एंट, इसको मैंने चेक कर लिया है। इसको जब हम अंधेरे में लेके जाते हैं तो इसका जो पीछे का पार्ट है ना, एक ग्रीन कलर का ग्लो करता है। इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है ये तो नहीं पता, लेकिन ये ग्रीन कलर का ग्लो करता है, काफ़ी मज़ेदार है। ये इस तरीके से मिनियंस आपको मिलेंगे 1, 2, 3 यहाँ पर। ये जो है मैंने आपको दिखाया कि ये जो है नीचे की तरफ रहता है। और भी आप लोग देख सकते हो, ये कुछ ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनके अंदर ये हिस्सा हम अगर घुसाएंगे और फिर ऐसे दबाएंगे तो आगे भग जाएगी। देखना ये देखो, ये जो है छोटी छोटी पिचकारी है, बिल्कुल छोटी छोटी। देखो यार कितनी सी पिचकारी, देखो मेरा हाथ है और इसमें ये रखी हुई है, देखो कितनी छोटी सी है। और ये है गाइस वो चीज जो कि हम लोग बचपन में यूज करते थे, अपने साइकिल के दोनों टायर्स में ये लगा लेते थे और इनको जब हम टाइट करते हैं ना, इनमें लाइट जलती है। देखो देखो ये कलरफुल लाइट इसमें जलती है और ये इसमें भी जल गई। देखो दोनों टायर्स में लगा लो, जब साइकिल चलेगी ना तो ये गोल गोल घूमती रहेंगी दोनों लाइट जलती हुई। गाइस ये जो छोटी सी बतख है एक तरीके से, या मछली जो भी कहो, जो डॉल्फिन आती है ना, वो जो फुटबॉल से खेलती है वैसा कुछ है। और जब ये आगे चलती है देखो तो इसकी जो बॉल है वो ऊपर नीचे होती है। देखो दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीज़ें निकली हैं जिनको अपन जैसे ही दबाएंगे ये शूट हो जाती है। देखना ये देखो देखो ये कहाँ शूट हो जाती है, ऐसी बहुत चीज़ें निकली है। देखो देखो ये इसके अंदर निकली हैं बहुत सारी बाउंसी बॉल जो कि बहुत ज़्यादा उछलती हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ नॉर्मल बॉल और इसमें फ़र्क देखना। देखो वो ये देखो ये बहुत बहुत ज़्यादा उछलती है, इसको सुपर बाउंसी ऐसा कुछ अपन बोल सकते हैं। देखो कितना ज़्यादा जो है ये जंप लेती है। सभी बच्चों को पता होगा इसके बारे में, आई होप। यार और भी बहुत सारी चीज़ें मैं मेन आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये है डमरू, कुछ इस तरीके से बजता है। इसके अलावा यहाँ पर है भैया क्रिकेट का सेट, छोटा सा एक बैट है, 2 बॉल्स हैं इसमें। अरे ये बॉल आधी आधी, अच्छा
दोस्तों ये जो बॉल है ना, ये पूरी बॉल बन जाएगी इसमें लग के, एक पजल टाइप की होती है सारी चीज़ें, और ये जो बॉल है ना ये पूरी बॉल बन गई, और हम यहाँ से इस बॉल को अब अलग कर सकते हैं। ये बॉल आ गई, ये आपके स्टम्प्स आ गए, और ये आपका बैट आ गया, पूरा जो है क्रिकेट का सेट बन गया यहाँ पर, प्लास्टिक का छोटा सा। और यहाँ पर इस तरीके का बैट और जो है बॉल्स भी निकली हैं, आप लोग देखो ये पहले ही बने हुए थे इस तरीके के। दोस्तों ये जो टॉय है हमने आपको पहले भी दिखाया है, ये जो है काफ़ी मस्त तरीके से काम करता है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस सीढ़ी को पकड़ो और इसको इस पर डाल दो, और देखो ये जो है सीढ़ी उतरता हुआ नीचे की तरफ जाता है, ये देखो इस बार देखना क्या बात है, पूरी की पूरी जो 6 स्टेप्स है वो इसने कवर करी, देखो गाइज ये जो है दोनों सीढ़ियों को एक मान करके ही नीचे चलता है, क्या बात है, मस्त है ना। इसके अलावा गाइज बहुत सारी यहाँ पर फिरकी भी हैं, कहाँ गई फिरकी, बहुत सारी रखी हुई थी यार, ये ऐसे घुमाने वाली है, देखो इसके अंदर कुछ डलेगा क्या, देखो ये ऐसे घूमती हैं, ये जो है पेपर वाली है, मुझे लगता है उनमें भी पेपर डल सकता है। और भाई इसमें सिर्फ ये एक चीज निकली है जो कि स्प्रिंग लोडेड है, कुछ इस तरीके से स्प्रिंग लोड होती है, और देखो उसके जो टायर हैं वो घूम जाते हैं, तो ये जो है कुछ इस तरीके से चल भी सकती है स्प्रिंग के बेस पे। बाकी जो सारी चीज़ें हैं उनमें स्प्रिंग पावर इस तरीके से नहीं है, हालांकि जो बंदूक और फाइटर जेट है उनमें जरूर है। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें देख करके मजा आया वीडियो में, तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल को कर लो सब्सक्राइब ऐसी और मजेदार वीडियोज के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।